हेलो फ्रेंड्स, तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज तो पहले से ही स्टार्ट कर रखी है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बुक को स्टार्ट करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। आप जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करना हमारी क्लास। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हमारी जस्ट एक इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। वैसे तो आप लोगों ने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तब आपने डिफरेंस भी किया होगा माइक्रो और मैक्रो में। लेकिन अब हमारी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो माइक्रो में क्या डिफरेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप और उसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, और स्कोप मतलब कि उसका मतलब वो एरिया क्या है, किस एरिया को वो कवर करती है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। और उसके बाद हमारा जो है वो एक कंसेप्ट है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज करी थी तब भी करा था, और हम अब फिर से करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स मतलब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, मतलब गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, हर चीज हो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है उस चीज के। और हमारे रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब हम अपने रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमको अपने रुपए को कहाँ स्पेंड करना है, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो जब हम उस चीज की स्टडी करते हैं उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल, मतलब जब हम ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी स्मॉल लेवल पे करते हैं तब वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, और जब हम इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी लार्ज लेवल पे, कैसे इकोनॉमी एज अ होल उसके लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो हमको पता चल गई, क्या पता चली, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट अ इकोनॉमी या एट अ लार्ज लेवल, तो वो हमारा क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारा आता है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो तो ये हमने वैसे तो 12th मतलब 11th में भी किया था, जिनके पास जिन्होंने इकोनॉमिक्स जिन्होंने 11th में की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ये हमारा यहाँ भी कंसेप्ट है, तो हम इसको भी करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। अब हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ईजिली बता सकते हैं, क्योंकि माइक्रो हमने पढ़ रखी है और मैक्रो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हमने स्टडी की थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या, पहले तो हमारा डिफरेंस क्या ही होगा, उनका डेफिनेशन, फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या होगा डेफिनेशन का, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एन इंडिविजुअल लेवल, वेदर इट्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मतलब किसी एक घर की स्टडी हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर या किसी कंज्यूमर की हम स्टडी कर रहे हैं, या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या हम किसी प्रोड्यूसर की स्टडी कर रहे हैं, या मार्केट की स्टडी करते हैं, लेकिन एक छोटे से मार्केट की, जैसे आपके घर के आसपास छोटी मोटी मार्केट लगती होंगी, हम एक मार्केट की स्टडी करते थे, वो भी हमारा माइक्रो में आता था। तो मैक्रो में क्या आता है, मैक्रो में हमारा आता है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी या एट अ लार्ज लेवल, तो हमारा क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम बड़े लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस होगा वो फर्स्ट डिफरेंस हमारा किसका होगा, डेफिनेशन का। दूसरा, हमें देखो खुद ही पता चला माइक्रो में हमने किन की स्टडी की, माइक्रो में हमने किन की स्टडी की, कंज्यूमर की स्टडी की हमने, किसकी स्टडी की, प्रोड्यूसर की स्टडी की। उसमें जो एक्शंस लेते हैं, मतलब कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स था तो उसमें कंज्यूमर सरप्लस के लिए जाता है, तो मतलब किसी चीज को खरीदता कौन है, कंज्यूमर। सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन खरीदता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं बैंकिंग बीओपी, उसमें जो है उनको, उनमें जो एक्शन लिए जाते हैं, उन एक्शंस को मैक्रो लेवल पे कौन लेता है, हमारी गवर्नमेंट लेती है, कि अगर कोई पॉलिसी में चेंज लाना है या
हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई डिसीजन लेता है, मैक्रो लेवल पे हमारे डिसीजन कौन लेता है, हमारे आरबीआई, हमारी गवर्नमेंट या नबार्ड। नबार्ड क्या करता है, वो जो छोटी मोटी मतलब कि इंडस्ट्रीज है उनको कैसे फंड प्रोवाइड करना है, या एग्रीकल्चर के फंड से रिलेटेड नबार्ड पॉलिसीज। तो जो हमारे, अब सेकेंड हमारा जो डिफरेंस बनेगा वो किस चीज में बनेगा, इकोनॉमिक एजेंट्स। हमने ये क्या है डेफिनेशन से ही निकाला। तो माइक्रो में हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, माइक्रो में हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स कौन थे, प्रोड्यूसर था और कौन था, कंज्यूमर था। यहां पे हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है जो कि डिसीजन ले रहे हैं, कौन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या हमारी गवर्नमेंट या नबार्ड, ठीक है। थर्ड देखो, हमने जब माइक्रो की स्टडी की, हमने माइक्रो के अंदर क्या क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ मार्केट। जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं यानी बड़े लेवल पे, जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, हमारे देश की कितनी इनकम है, कितनी जीडीपी है, और क्या पढ़ते हैं हम, और हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम कैसा है हमारे इंडिया का, हम पढ़ते हैं हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स कितने हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम पढ़ते हैं बीओपी के अंदर, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर, तो ये किस चीज के अंदर आते हैं, ये आते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो माइक्रो वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हुए, माइक्रो वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हुए, डिमांड, सप्लाई, और वही मैक्रो वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हुए, अभी तो बताया हमने, कौन से बताए हमने मैक्रो वेरिएबल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और हमने क्या किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट किया, और हमने क्या किया, नेशनल इनकम। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, कौन से। अब अजम्पशंस हम लेते हैं, एक कंसेप्ट आता है अजम्पशंस, ठीक है। जब हमने, मैंने आपकी माइक्रो की सीरीज ली थी तब मैंने उसमें भी बताया था कि जब हम माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि मैक्रो के वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट है। जब हम माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि मैक्रो के वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट है। जैसे अगर हम किसी एक इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, या हम छोटी सी मार्केट में देख रहे हैं कि कितना आउटपुट है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, और हम पूरी कंट्री की टोटल आउटपुट को उसमें इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते पूरी कंट्री की टोटल आउटपुट को, क्योंकि वो एक मैक्रो कंसेप्ट है। तो जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं हम क्या मानते हैं कि हमारे जो मैक्रो के वेरिएबल्स हैं, मैक्रो के वेरिएबल्स मतलब ये सब कॉन्स्टेंट है, वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो हम मानते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं, डिमांड, सप्लाई, ये सब कॉन्स्टेंट है, ये वाले वेरिएबल यहाँ काम नहीं कर रहे, यहाँ आके वो फेल है, मतलब वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं माइक्रो की। तो हम क्या करते हैं कि माइक्रो की स्टडी के टाइम वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉन्स्टेंट, और दूसरे में हमारा क्या होगा कि जब हम स्टडी करते हैं किसकी, मैक्रो की, तो माइक्रो के वेरिएबल्स को हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। हम यहां पे मानते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम या हमारी टोटल आउटपुट क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। या हम मानते हैं कि जब हम मैक्रो की, जैसे हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स करेंगे आगे, उसमें आपको ये भी कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है। जैसे हम मैक्रो की जब स्टडी कर रहे हैं, हम मानेंगे कि माइक्रो के कुछ वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट। उसके बाद फिफ्थ, अब देखो आप खुद बताओ, हमने माइक्रो में स्टडी की डिमांड, सप्लाई, और हमने क्या किया, मार्केट की स्टडी की थी, मार्केट की स्टडी की थी। जैसे हमने डिमांड सप्लाई देखा, जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल थी वहां हमारा इक्विलिब्रियम होता था, तो हम क्या करते थे, हम मार्केट की स्टडी करते थे, या हम इंडिविजुअल डिमांड करते थे और एक मार्केट डिमांड करते थे, और मार्केट सप्लाई भी करते थे। वहां हम क्या करते थे कि एक मार्केट में जितने कंज्यूमर हैं उन सबकी डिमांड को हम ऐड कर देते थे। जब हम उन सबकी डिमांड को ऐड कर देते थे तो हमारा क्या आता था, हमारी पूरी मार्केट डिमांड आती थी। सेम
मार्केट सप्लाई, जब हम एक मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सप्लाई को ऐड कर देते थे तो हमारा क्या आता था, मैक्रो, सॉरी, तब हमारा आता था मार्केट सप्लाई। अब एक देखो, आप एक चीज देखो, कोई आपसे पूछे कि क्या हम माइक्रो में एग्रीगेशन करते हैं, जैसे मैक्रो में तो नाम पे ही आता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एग्रीगेशन हो रहा है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हम माइक्रो में भी एग्रीगेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि मार्केट की जब हम स्टडी कर रहे थे, हमने जितने कंज्यूमर थे एक मार्केट में उन सबको ऐड किया और हमारी मार्केट डिमांड आई। सेम एक मार्केट में जितने सप्लायर थे हमने उनकी सप्लाई को ऐड किया और हमारे पास मार्केट सप्लाई आई। तो यहाँ पे भी एग्रीगेशन होता है लेकिन बहुत स्मॉल लेवल पे, ठीक है। एक छोटी सी मार्केट की हम स्टडी करते हैं जो, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे स्मॉल डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। स्मॉल डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, और यहाँ पे क्या होता है एग्रीगेशन एट अ लार्ज लेवल, हमारा बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम जितने मर्जी चाहे अपने पॉइंट्स बना सकते हैं माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस के अंदर, ठीक है। बस मेन हमको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम मतलब क्या कर रहे हैं। जैसे हमने अभी डेफिनेशन बनाई, फिर हमने इकोनॉमिक एजेंट्स बताए, हमने बताए वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, अजम्पशंस हमने कुछ ली, कुछ हमने ये बताया कि इसमें एग्रीगेशन होता है या उसमें एग्रीगेशन होता है या नहीं होता। तो ऐसे हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, आपकी बुक में भी दिए होंगे एक आधे और एक्स्ट्रा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमने क्या कहा था आज हम मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। पहले हम करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, स्कोप मतलब उसकी एरिया, मतलब इस सब्जेक्ट का कितना एरिया है, मतलब ये सब्जेक्ट के अंदर हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं वो उसका क्या होता है स्कोप होता है। हम हर सब्जेक्ट का अपना स्कोप होता है, जैसे ज्योग्राफी है उसका एक अपना स्कोप है, वो एटमोस्फेयर अर्थ की स्टडी करता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटी की स्टडी करता है, मतलब एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करता है। ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है, हम अभी पढ़ के आए हैं किस किस चीज की, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की हमारी स्टडी कौन करता है, और किस चीज की स्टडी करता है, मतलब एग्रीगेशन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। इसके स्कोप के अंदर मतलब क्या क्या आता है, मतलब ये किस किस चीज की स्टडी करता है, और क्या आता है स्कोप के अंदर, बैंकिंग सिस्टम, और अगर हम देखें और क्या आएगा, नेशनल इनकम, और इसके स्कोप के अंदर और इसका एरिया और क्या क्या आ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हमारी क्या है मैक्रो इको, और ये हमारा सिर्फ इतना ही स्कोप नहीं है, ये आपने अभी मतलब 12th लेवल पे इतने करोगे, लेकिन मैक्रो का स्कोप क्या है और भी ज्यादा है। हम इसमें वाइड रेंज ऑफ स्टडी करते हैं, हमारी इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन की भी हम इसमें क्या करते हैं स्टडी, डिफ्लेशन की भी हम इसमें स्टडी करते हैं। तो मैक्रो का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो अब आपको समझ आ गया, मतलब मेन चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्कोप क्या होता है, कि किस उस सब्जेक्ट का एरिया क्या है, मतलब वो क्या स्टडी करता है, तो वो क्या क्या स्टडी करता है वो उसका क्या होगा, स्कोप होगा। तो क्या है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम, नेशनल इनकम, जैसे जीडीपी, जीएनपी हम सब करेंगे, नेशनल इनकम पूरा करेंगे। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंदर हमारे इंपोर्ट और हमारे एक्सपोर्ट्स आते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की स्टडी करता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो सिग्निफिकेंस वर्ड क्या होता है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस वर्ड का मीन हम बोलते हैं कि ये चीज तो बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब हम कोई चीज है, कोई हम ऐसे ही तो पढ़ नहीं रहे कि हमारा मन किया चलो चलो भाई 12th में पास होना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट ड्राइव हुआ, ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आया तो क्यों आया, क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो हम देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमको पता है कि ये चीज स्टडी करता है, अब हम इसी से इसकी क्या निकालेंगे, इंपॉर्टेंस निकालते हैं। देखो कैसे, ये क्या करता है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की। तो हम यहां से देखेंगे कि हमारी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट कितना लेवल है, हमारी कंट्री की पॉवर्टी क्यों, मतलब पॉवर्टी है कितनी है, पिछले साल की कंपैरेटिवली कितना चेंज आया है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के अंदर, ठीक है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हम इसमें देखते हैं। तो जब हमको पता है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पॉवर्टी, लोग गरीब हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नई पॉलिसीज लाते हैं। तो गवर्नमेंट, हम नहीं मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी लेके आती है नई अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो जब हमने अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी की स्टडी की, नेशनल इनकम की स्टडी की, तो हमको पता चलता है कि हमारी कंट्री में क्या क्या वर्स सिचुएशन चल रही है, मतलब क्या क्या गलत हो रहा है। जैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या हमारी पॉवर्टी बढ़ रही है, तो ये सब हो रहा है हमारी कंट्री में। तो हम उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है, वो किसके अंदर आएगा, वो मैक्रो की सिग्निफिकेंस है, कि हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फॉर्मेशन, कि गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बनाती है, कैसे, मैक्रो की स्टडी करके, ठीक है। वो स्टडी करती है ना कि हमारी कंट्री में जैसे मेक इन इंडिया कैंपेन है या स्किल इंडिया या और कोई भी, जैसे मेक इन इंडिया आया, वो क्यों आया, कि भाई लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है। तो ये पॉलिसीज जो आ रही है, ये कैसे आ रही है, ये पॉलिसीज आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी की जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है कंट्री का कम हो सके। या फिर जैसे कि 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हम लेके आए, ठीक है, NEP को हम लेके आए थे। वो क्यों लेके आए थे, वो भी इसीलिए लाए थे कि दूसरी इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। तो हम किसकी स्टडी पे करते हैं, हम मैक्रो की स्टडी हम करते हैं, मतलब मैक्रो की इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। फिर मैक्रो की स्टडी से पता चलता है कि हमारी कंट्री किस तरफ जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वो कौन करता है, गवर्नमेंट भी, और RBI क्या करती है, एडवाइस करती है किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखा। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, हमारी कंट्री में जितनी डिमांड है या जितनी भी सप्लाई है, अगर डिमांड हो रही है, अगर मान लो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर बनाएगा, और जब वो चीज बनेगी, मनी का एक्सचेंज होगा, तो हमारी क्या आएगी, नेशनल इनकम। किसी GDP क्या होता है, कि प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जब कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारी क्या हो रही है, हमारी, हमें क्या हो रहा है, जब कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और मतलब कंज्यूमर डिमांड कर रहा है,
प्रोड्यूसर क्या करेगा, डिमांड पूरी करने के लिए प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, जीडीपी को दिखाता है हमारी कंट्री की। तो हमें क्या पता चलता है कि हमारी कंट्री की जीडीपी क्या चल रही है, ठीक है, हमारी कंट्री की जीडीपी क्या चल रही है, और हमको ये क्या प्रोवाइड करता है कि हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, जीडीपी की स्टडी कर रहे हैं, तो हमको ये क्या बताते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। तो एक और इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है हमको कि कितनी, जैसे आपने न्यूज में भी देखा कि हमारी जीडीपी इतनी चल रही है, इतनी चल रही है, ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहा है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, या हमारी गवर्नमेंट एम रखती है कि इतने साल में हमारी जीडीपी हमको इतनी करनी है, तो मतलब क्या है कि हमको अपनी इकोनॉमी को इतना ग्रो करना है, ठीक है। तो हमारे को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड अब हमारा बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम का भी अगेन वही काम होता है, वो पैसे को हमसे पैसा लेता है, आगे लोन पे देता है, हमसे पैसा लेता है, लोन पे देता है, अगेन हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम, ये भी हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाता है। और जब हमारी नेशनल इनकम में चेंज आ रहा है तो उससे हमारे क्या हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ सेम पॉइंट, ठीक है। अब हम कहते हैं नेशनल इनकम, जब हमारी नेशनल इनकम की हम स्टडी कर रहे हैं, हमारी मान लो गवर्नमेंट, मतलब हमारी नेशनल इनकम की हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम की हमने स्टडी की, नेशनल इनकम की स्टडी को फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो आज नेशनल इनकम है हम उसको पुरानी नेशनल इनकम से कंपेयर भी करते हैं, ठीक है, या हम और कंट्रीज की नेशनल इनकम से कंपेयर करते हैं कि लेट इट बी चाइना, यूएस, हम डेवलप्ड कंट्रीज से अपने आप को क्या करते हैं, डेवलप, सॉरी, हम अपने कंपेयर करते हैं, हम डेवलप्ड नेशन से हमारी कंट्री की इनकम को कंपेयर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे कहाँ पे हम, मतलब हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या चीज हमको इंक्रीज करनी चाहिए, वेदर वी नीड टू, क्या हमें टर्शरी सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर को बढ़ाना चाहिए, तो हमें उन डेवलप्ड नेशन की तरह होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हम नेशनल इनकम निकाली, हमने नेशनल इनकम से पता चला कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अपनी दूसरों से कंपेयर करते हैं कि और देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, और फिर हमको पता चला कि जैसे हमारी कम है तो क्यों कम है, फिर हमको हमें कहते हैं कि हमें फ्यूचर में ये काम करने हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रो हो सके। तो इसके लिए हमारा आता है थर्ड पॉइंट, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो रोड मैप टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि ये हमको एक रास्ता प्रोवाइड करता है, रोड मैप मतलब रास्ता प्रोवाइड करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ। क्यों रास्ता प्रोवाइड करता है, हमने अपनी नेशनल इनकम निकाली, हमने उसको दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किया, या पिछले साल से कंपेयर किया, या हमने फ्यूचर टारगेट सेट कर रहे हैं उससे देखा कि हम कितने पीछे चल रहे हैं, या हम दूसरे कंट्रीज से किस सिचुएशन में है, फिर हम अपने एक रोड मैप रेडी करते हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो यही तो करते हैं कि अगर हम ये ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे तो मे बी हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर सकती है, या हमारी नेशनल इनकम इतनी बढ़ सकती है। तो वो क्या करते हैं, वो एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं किस चीज के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोड मैप टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमको क्या पता चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमको पता चलता है कि हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं, हमारे इंपोर्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमको पता चलता है कि हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं और हमारे इंपोर्ट कितने हैं। अब हमारे एक्सपोर्ट जो है ज्यादा होते हैं हमारे इंपोर्ट से, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हैं इंपोर्ट से, तो हमारा कंट्री सरप्लस में होता है। लेकिन अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से तो हमारा कंट्री डेफिसिट, मतलब नुकसान में होता है, ठीक है। और हमारे कंट्री के लिए ना ज्यादा सरप्लस अच्छा, ना हमारे लिए ज्यादा डेफिसिट अच्छा, मतलब अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है वो भी हमारे लिए इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो हमारी हमें क्या है, बीओपी के स्टेटस की स्टडी, बीओपी के स्टेटस का हमें पता चलता है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या स्टेटस चल रहा है, और उसकी वजह से फिर अगेन गवर्नमेंट डिसाइड करती है इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, एक्सपोर्ट, मतलब जैसी हमारी सिचुएशन है। अगर हमारे सिचुएशन जनरली तो हमारे इंडिया में डेफिसिट ही है कि हमारा हमेशा इंपोर्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, कुछ कमोडिटीज को छोड़ के, तो फिर गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि हमको क्या करना चाहिए कि हमारे इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। जैसे कि हमारी फिर इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए फिर जैसे आत्मनिर्भर भारत, मतलब अपना प्रोडक्शन अपने कंट्री में खुद करो ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, तो
तो ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें अगर अपने इम्पोर्ट्स को कम करना है कि हमें बाहर के देशों से मंगवाना ना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद के देश में बनाना पड़ेगा, तो वो फिर कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। तो ये भी फायदा हुआ किसका, मैक्रो की स्टडी का। हमने मैक्रो की स्टडी की तभी तो हमें पता चला कि कितने एक्सपोर्ट है कितने इम्पोर्ट है। फिर हमें जब पता चला तो हम उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, हमने मतलब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज की स्टडी। फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमें अपनी कंट्री के मतलब डॉलर के कंपैरेटिवली हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। हमारा मनी की वैल्यू जो है हमारी ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आप आगे स्टडी करोगे हमें पता चलेगा हमारी मनी क्या है, डेप्रिशिएट भी होती है और एप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मतलब हमारी मनी की वैल्यू कम भी होती है और एप्रिशिएट मतलब बढ़ती भी है, ठीक है। तो हम वो अभी थोड़ा सा आगे करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि फॉरेन एक्सचेंज की जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारी डॉलर के कंपैरेटिवली हमारी जो है इनकम मतलब कि हमारी हमें डॉलर खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आज मान लो 70-72 के अराउंड चलता है कि अगर हम 70-72 के अराउंड रुपी में पेमेंट करें तब $1 मिलता है, ठीक है। तो वो होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज की स्टडी करते हैं और हमें क्या पता चलता है, रेट ऑफ एक्सचेंज का भी पता चलता है कि हमारी कंट्री में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कर चल रहा है, मतलब किस रेट पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का हमें पता चलता है। और जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या है, हमारी मनी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो हमें क्या करना है, हमारी मनी की वैल्यू अगर कम है तो हमें क्या करना है। अगेन अगर हमारे मनी की वैल्यू हद से ज्यादा है वो भी सही नहीं है, अगर हमारे मनी की वैल्यू कम है वो भी सही नहीं है हमारे लिए, कंट्री के लिए। तो ये तो इस पे बेस पे भी गवर्नमेंट हमारी डिसीजन लेगी। तो ये हमारा जो स्कोप है और जो सिग्निफिकेंस है, हम जैसे जैसे अपने चैप्टर्स करते जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि हर स्कोप पे हमारा एक चैप्टर है, ठीक है। अगेन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमने पता ही कर लिया कि महंगाई है, अगेन वही सब, ठीक है। अगर हम देखो अब हमने इतनी चीजें इसके स्कोप में पढ़ी तो हमें ओवरऑल क्या पता चला हमारी इंडिया की इकोनॉमी का, कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। या अगर हम यूएसए की मैक्रो पढ़ ले तो हमें यूएसए की इकोनॉमी का पता चलेगा, मतलब हम जिस देश की मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं हमें उस देश की किसके बारे में पता चलता है, इकोनॉमी के बारे में, कि उस देश का क्या हाल है, मतलब कैसा चल रहा है वो देश, मतलब अच्छा चल रहा है, ग्रोथ पे है, नहीं है ग्रोथ पे, वो हमें कहाँ से पता चलता है, मैक्रो से। तो हमें हमारा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखिए तो हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, कि हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे स्टैंड कर रही है, कहाँ है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का पता चलता है कि कितनी पॉवर्टी चल रही है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मतलब कि एक साथ इसीलिए लिखे थे ताकि आप स्कोप और सिग्निफिकेंस को इंटर रिलेट कर सको, आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। एक बार तो स्कोप तो मैंने आपको अलग से लिख के दिखाई दिए थे, अब सिग्निफिकेंस समझा तो हमने दिए ही है आपको, लेकिन अगर हम जैसे दिखे सिग्निफिकेंस तो सिग्निफिकेंस हमने क्या क्या पढ़े, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमी कहां स्टैंड करती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। फिर हमें जब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चला तो हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम है ज्यादा है, भाई ज्यादा है तो हमें क्या करना है, कम है तो क्या करना है, क्या पॉलिसी बनानी है। फिर हमारी किसमें हेल्प करती है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में। ठीक है, और फिर हम जब अपनी हम अपनी देश की इनकम को कंपेयर करते हैं हमारे पिछले सालों से, या हमें जो फ्यूचर में अचीव करना है, हमारा जो टारगेट है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, या हम दूसरे डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है। तो हम फिर हम ये देखते हैं कि हमें अगर फ्यूचर में उस लेवल तक पहुंचना है, अगर हमें उतनी इनकम अपनी लेके जानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा, क्या होता है, रोड मैप टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब अगर हम मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सा रास्ता हमें चूज करना है।
ठीक है, और हमने क्या किया, हमारे बीओपी का स्टेटस हमें पता चलता है और हमें रेट ऑफ एक्सचेंज का पता चलता है, किसका, रेट ऑफ एक्सचेंज, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। और भी हम इसमें चाहे तो हजारों पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे हम बैंकिंग सिस्टम मैक्रो में पढ़ते हैं तो हमें बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग किस लिए होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी नॉलेज कहाँ मिलेगी, अगेन मैक्रो, तो वो सिग्निफिकेंस हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ है, किस लेवल पे है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर गवर्नमेंट को लेना है तो उसमें भी कौन हेल्प करेगा, अगेन मैक्रो, तो हमारे सिग्निफिकेंस के मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपकी बुक्स में मेन यही दे रखे हैं तो इसीलिए मैंने यही करवाया है 12th लेवल पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सिग्निफिकेंस या इसका स्कोप सिर्फ इतना सा है, मैक्रो बहुत बढ़िया, इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हम जैसे हमने कहा कि हम बैंकिंग सिस्टम की स्टडी करते हैं, हम पता है रूरल लेवल पे, अर्बन लेवल, हम हर जगह की स्टडी करते हैं मैक्रो के अंदर, इट हैज अ वेरी लार्ज स्कोप, और हमें इसका लार्ज स्कोप है तो हम इसके सिग्निफिकेंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट दे रखा है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का बुक में, कौन सा, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, मतलब कि ये क्या कहता है कि जो चीज माइक्रो लेवल पे सही है जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी सही हो, ठीक है। ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का कंसेप्ट कहता है कि जो चीज माइक्रो लेवल पे सही है वो जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी सही हो। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये लाइन सुन के तो समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो चीज माइक्रो पे सही है लेकिन मैक्रो पे सही नहीं है वो क्या है, देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक फार्मर का एग्जांपल लो, ठीक है। एक फार्मर है, सिंपल, एक सिंपल फार्मर माइक्रो लेवल पे, ठीक है, क्या एक फार्मर है, माइक्रो लेवल पे लो कि एक फार्मर है, बहुत अच्छा, मतलब मॉनसून रहा इस बार हमारे कंट्री का, हमारे कंट्री का क्या रहा, मॉनसून बहुत अच्छा रहा, जैसे ही हमारे कंट्री का मॉनसून अच्छा था, इसकी फार्मर का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, ठीक है, फार्मर का क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, तो अब वो फार्मर क्या सोचेगा कि मेरे क्वांटिटी मेरी और क्वालिटी मेरी क्रॉप की बहुत अच्छी है, कि मेरा प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, मेरी क्वांटिटी बहुत सारा क्रॉप है, प्लस क्वालिटी भी अच्छी है मॉनसून अच्छा होने की वजह से, तो वो क्या सोचता है कि उसकी, उसके मार्केट में उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कि उसकी क्रॉप क्या है, बहुत अच्छी हुई है, अच्छा मॉनसून था। लेकिन ये तो हुआ माइक्रो लेवल पे, अब एक मैक्रो लेवल पे देखो, मैक्रो लेवल पे फार्मर एक नहीं है, बहुत सारे फार्मर्स हैं कंट्री में, मॉनसून एक के पास अच्छा तो आया नहीं होगा, पूरे कंट्री का ऑब्वियसली मॉनसून अच्छा होगा, तो जब पूरे कंट्री का मॉनसून अच्छा था तो इसका मतलब एक फार्मर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, पूरी की पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितने फार्मर्स हैं सबका प्रोडक्शन अच्छा हुआ होगा, मतलब टोटल प्रोडक्शन सबका अच्छा हुआ होगा, क्या सबका अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ होगा टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट। और जब सबका टोटल प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, इसका मतलब मार्केट में क्या है, सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में मतलब क्या है कि सप्लाई ज्यादा है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली वो बेचेंगे ही, घर तो रखेंगे, तो क्या है मार्केट में सप्लाई ज्यादा, अब खरीदने वाले, यूं तो है नहीं कि लोग खाने वाले मॉनसून अच्छा है तो ज्यादा खाएंगे, ठीक है, डिमांड क्या है, डिमांड तो उतनी है जितनी होती है, अब क्या हुआ भाई, सप्लाई तो हो गई ज्यादा क्योंकि अच्छा मॉनसून था, और डिमांड क्या है, उतनी है जितनी की पहले थी, अब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस क्या होंगे, प्राइस क्या होंगे, कम, तो फार्मर्स को क्या हुआ, नुकसान। अपने माइक्रो लेवल पे जब स्टडी की तो फार्मर को प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि उसकी क्रॉप अच्छी हुई है, उसकी फसल अच्छी हुई है, लेकिन वही चीज अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें, जब हम वही चीज जब हम मैक्रो लेवल पे देखें तो फार्मर तो नुकसान हो रहा है क्योंकि सिर्फ उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ पूरी कंट्री का, तो जो चीज माइक्रो लेवल पे थी वो मैक्रो पे नहीं हुई। और इसको हम उस कंसेप्ट में भी ले सकते हैं, जैसे हमने कहा था जब हम माइक्रो की स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट है, यहाँ जब हमने माइक्रो की स्टडी की
तो हमने टोटल आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन को, हम यहाँ टोटल आउटपुट लिखें तो ज्यादा बेटर है, तो हमने टोटल आउटपुट को क्या माना, कॉन्स्टेंट। हमने क्या टोटल आउटपुट का यहाँ पे बात लाए, नहीं लाए। तो जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं मैक्रो कॉन्स्टेंट। अब एक और एग्जाम्पल जो आपकी बुक में भी दे रखा है वो है सेविंग का एग्जाम्पल। किसका? सेविंग का। तो बोल देखो आप अपनी फैमिली में देखो कि हर कोई है वो सेविंग करता है, वो सेविंग करता है। तो वो कहते हैं कि सेविंग करना अच्छा है भाई, जो पता थोड़ी है कल को क्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो पैसे हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। तो सेविंग एक माइक्रो लेवल पे तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। माइक्रो लेवल पे तो सेविंग क्या है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम मैक्रो पे देखें, अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो मैक्रो लेवल पे अगर सभी लोग हमारी कंट्री के सेविंग करने लगे, कंट्री के सभी लोग सेविंग करने लगे, जब सब लोग सेव करेंगे, जब हमारी कंट्री के सभी लोग सेव करेंगे तो डिमांड कौन करेगा, ठीक है। जब लोग सेव करेंगे तो वो खर्चा थोड़ी ना करेंगे, वो तो सेव कर रहे हैं, तो जब वो लोग खर्चा नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर कुछ बनाएगा नहीं। जब हमारी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी जीडीपी क्या जाएगी, डाउन, मतलब कम होएगी। तो सेविंग अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हर कोई चाहता है सेविंग करना। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पे कंट्री एज अ होल देखें तो सेविंग क्या है, वाइस, मतलब एक श्राप है। सेविंग अच्छा नहीं है एक इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर सेविंग होगी तो कंट्री में डिमांड नहीं होगी, और अगर कंट्री में डिमांड नहीं है तो कंट्री में अगर प्रोडक्शन नहीं है, मतलब अगर कंट्री में लोग डिमांड नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक हमारी जीडीपी कम है। तो हमको पता चला कि माइक्रो लेवल पे सेविंग बहुत अच्छी चीज है, वर्चू। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो वो अच्छी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ डाउन जाएगा, सेविंग है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो लोगों का एक्सपेंडिचर लोग नहीं करना चाहते, लोग एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, मतलब प्रोड्यूसर बनाएगा क्यों, जब प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं। और जीडीपी क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं तो जीडीपी होगी नहीं। तो इसीलिए तो अब आपको ये समझ आ गया माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की, जो चीज माइक्रो लेवल पे अच्छी है जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी अच्छी हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। हम रेगुलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरा करेंगे कंप्लीट, और नेक्स्ट जो हम नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे, पहले उसकी हम कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जैसे फाइनल गुड्स वगैरह होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर अप करेंगे। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। सो बाय, थैंक यू, बाय।